India next because it continues to कोई पुरानी बात हो जो अंदर ही पड़ी है अभी भी बाहर नहीं निकली अगर वो विकार अंदर ही रहते हैं तो धीरे धीरे शरीर के ऊपर आने लगते हैं और तब शरीर सड़ने लगता है मनुष्य सदा अपने ही सुख को अधिकतम करने में लगा है सर 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 बात का टाइम हो गया है किया पिताजी को सच बता दूंगा तो ही शांति मिलेगी पर हिम्मत नहीं हुई फिर मैंने पिताजी को एक चिट्ठी लिखी गुनाह कबूल किया माफी मांगी और कसम खाई फिर कभी गलत काम नहीं फिर तुम्हारे डैडी ने हाथ के दिया होगा मस्ता
और जीवन में मुक्ति पाने के लिए सबसे पहले अंदर के कचरे को साफ करना होगा, और नहीं करोगे तो शरीर के विकार बढ़ते ही जाएंगे। एक मिनट जरा ये लेके जाइए ना। क्या हुआ? गुलाब जामुन कैसा बना है? बहुत अच्छा बना है। ये लीजिए ध्यान से। वो छोड़ गया मेरे हाथ से, पता नहीं आपको लगी तो नहीं ना, दिखाइए। आप रहने दीजिए, आप जाइए हाथ धो के आइए। लता, 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 लता,
मैडम ने ये लेटर दिया था जब आप नहीं थे, बोला था उनके जाने के बाद आपको दे दूं। हम जैसे कर्म करते हैं वैसे ही फल हमें मिलते हैं। कर्म से कोई बच नहीं सकता, इसलिए हमें हमेशा ही अच्छे कर्म करने चाहिए। अब तक पढ़ा नहीं आपने? क्यों? लता मेरी जिंदगी में किसी फरिश्ते से कम नहीं थी, इसलिए डर लगता है कि कहीं उसने कहीं कुछ ऐसा ना लिख दिया हो कि जिसे पढ़कर वो वैसी दिखना बंद हो जाए। अभी वार्ड 18 में एक लड़का आया था, एक्सीडेंट से ब्रेन हैमरेज हो गया था। जब तक उसके माँ बाप आए तब तक बहुत देर हो गई थी। ये लता जी के आखिरी शब्द हैं, आप नसीब वाले हैं कि ये सुन पाएंगे। पर आप इतना क्यों डरते हैं इसे पढ़ने से? मैंने भी अपनी गलती की माफी खत लिखकर ही मांगी थी। तो उन्होंने माफ किया आपको? पता नहीं उसने पढ़ा भी था या नहीं। शायद माफ कर दिया हो, वो नहीं जानना चाहेंगे आप। और ऐसा जरूरी नहीं कि आपकी तरह उन्होंने भी कोई गलती की हो। अगर उसने भी गलती की हो तो आपको लगता है कि आपकी गलती जानकर वो आपको माफ कर देते? तो बस आप ही उनको माफ कर दीजिए। सिस्टर, जस्ट वन मिनट। अक्सर इंसान सोचता बहुत है, लेकिन इंसान को सबसे ज्यादा उसके विचार ही कैद करते हैं। लेकिन सत्य सत्य मनुष्य को आजाद कर सकता है। प्यारे राजा जी, 40 साल हो गए आपके साथ। बस जाते जाते एक बात बोलनी थी कि इस जिंदगी में मेरी किसी भी बात से आपको कुछ भी दुख हुआ हो तो मुझे माफ कर देना। लिखा हुआ खत पढ़ने की कोशिश की, लेकिन चश्मा नहीं मिला तो पढ़ नहीं पाई। आपने भी मेरी तरह अगर कोई माफी मांगी हो तो हमारी तरफ से भी आपको माफ किया जाता है राजा जी। और हां, एक बार पढ़कर इस खत को मेरे पास ऊपर भेज देना। मैं नहीं चाहती इसे बार बार पढ़कर आप दुखी हो। इस जिंदगी को जीने लायक बनाने के लिए शुक्रिया।
हमेशा खुश रहना मेरे राजा जी।